हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे काले चने का पुलाव। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है। इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ किए हैं वो है काला चना। यहाँ पे मैंने ये काले चने लिए हैं और ये इस कप के साथ मेजर किए थे। ये एक कप मैंने लिया है। इनको 7 से 8 घंटा सोख करके उबाल लिया था और ये अब हमारे पास उबले हुए काले चने तैयार हैं। ये 2 कप काले चने बन गए हैं और जो पानी यूज़ किया था उसको एक जग में निकाल के रख लिया है। यहाँ पे मैंने 1.5 कप राइस लिए हैं जिनको वॉश करके रख लिया था, सोक नहीं किया था पहले। पुलाव के तड़के के लिए हमें चाहिए ऑयल, जो हम 2 टेबलस्पून यूज़ करेंगे, तो ऑयल भी मैंने यहाँ पे रख लिया है। अब मैंने यहाँ पे जिंजर और हरी मिर्ची को चॉप करके रख लिया है, 1/2 इंच जिंजर था। 1 अनियन को काट के रख लिया है, आप शेप अपने हिसाब से काट सकते हैं, मैंने ऐसा काटा है। पिसे हुए मसालों में मैंने लिया है गरम मसाला, जो मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। मेजरिंग के लिए मैंने ये वाले टीस्पून्स यूज़ किए हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब हम यहाँ पे लेंगे लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है और मैंने 1 टीस्पून यूज़ किया है, ये ज़्यादा तीखी नहीं है। मिर्ची के बाद हम लेंगे धनिया पाउडर, यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है और 1.5 टीस्पून नमक का यूज़ किया है, क्योंकि चने उबालने में भी नमक डाला था। 1/2 चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है, क्योंकि काले चने के पानी का कलर ऑलरेडी काला है तो बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालेंगे। साबुत मसालों में 1 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच अजवाइन का यूज़ किया है। इनको हमने पीसना नहीं है, साबुत ही रखेंगे। और यहाँ पे लिया है 1/4 टीस्पून ऑफ हींग का पाउडर। अब हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने कढ़ाई जैसा पैन लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करके उसमें सारे साबुत मसाले डाल लिए हैं। हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक चलाएंगे और फिर इसमें कटी हुई अदरक और हरी मिर्ची डाल देंगे। ये ऑलमोस्ट 20 से 30 सेकेंड्स में गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। अब हम इसमें अपने कटे हुए प्याज अनियंस डाल देंगे और अनियंस के साथ ही हम यहाँ पे रखा हुआ सॉल्ट भी डाल देंगे। सॉल्ट डालने से अनियंस जल्दी कैरमलाइज्ड होके पक जाते हैं। करीब 1 से 1.5 मिनट चलाने के बाद ये अनियंस ट्रांसल्यूसेंट हो जाएंगे, तो आप सारे सूखे मसाले इसमें डाल दें और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ध्यान रखिए कि मसाले इस स्टेज पर जले नहीं, आप फ्लेम को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हमें मसाला जलाना नहीं है। अब इसमें हम उबले हुए काले चने और चावल डाल के अच्छी तरह से इसको चलाते हुए भून लेंगे। 1 या 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। चावल भिगोए नहीं थे इसलिए अब ये चावल टूटेंगे नहीं। अब जो काले चने का पानी रखा था उसको हम इस चावल में मिला देंगे। मैंने यहाँ पे इस पानी को गर्म कर लिया था। अब हम एक कवर से इस पैन को कवर कर देंगे और इस तरह से बड़े बड़े बबल्स आने तक हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे और फिर गैस की आंच को धीमी कर देंगे। 10 से 12 मिनट में ये चावल इस तरह से पक के तैयार हो जाएंगे। देखिए, दीज आर लुकिंग गुड। अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो मैं तो यहाँ पे दही, नींबू का अचार और घी के साथ इन चावलों को सर्व करने वाली हूँ। आप अपने पसंद के चीज़ों के साथ पुलाव को खा सकते हैं। वैसे तो ये पुलाव खाली भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बच्चे और बड़े सब इस पुलाव को पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि फ्यूचर में भी मैं ऐसी इजी और सिंपल रेसिपीज़ के साथ आपके आती रहूं और आपको अच्छा अच्छा खाना बना के दिखाती रहूं और सिखाती रहूं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।